قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا सच्चाई के बारे में यह हदीस है कि सच्चाई की सिफत कितनी अजीम है और उसका मकाम और मर्तबा इस्लाम में इतना बड़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चाई जन्नत नेकी का रास्ता दिखाती है। नसिब अयदी ललगर सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। और आदमी सच बोलता है और सच को तलाश करता है जहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ वो सिद्दीक लिख दिया जाता है, यानी सबसे बड़ा सच्चा, बहुत सच्चाई का पैकर। और झूठ और बुराई का रास्ता दिखाता है और बुराई जहन्नम का रास्ता दिखाती है। और आदमी झूठ बोलता है और झूठ के लिए वो सोचता है कि कैसे मैं अपना झूठ चला दूँ, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक वो कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। तो ये सच्चाई की सिफत उम्महातुल फ़ज़ाइल में से है, यानी जो अच्छाइयाँ हैं, नेकियाँ, अच्छे काम, अच्छी सिफात, उनमें कुछ सिफात ऐसी हैं जो माँ की हैसियत रखती हैं, यानी अगर यानी जड़ और बुनियाद के लिए किया तो वो चीज़ें अगर आदमी इख्तियार कर ले तो फिर दूसरी खूबियाँ वो आती चली जाती हैं, जुज़्वी खूबियाँ। ये जो है ना मोटी और आला खूबियों में से, यानी एक खूबी होगी तो इंसान के अंदर बहुत ही उसकी कीमत बन जाएगी, उनमें से है। जैसे कल अमानतदारी जो बताई थी वो भी उम्महातुल फ़ज़ाइल में से है, यानी जो फ़ज़ाइल और महासिन और सिफात जो जड़ और बुनियाद की हैसियत रखते हैं, माँ की हैसियत रखते हैं, उनमें से एक रिवायत पढ़ी के फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, लेकिन हमें शुबा लगता है कि सहाबी का कौल भी हो सकता है के चार बातें तुम्हारे अंदर होंगी तो अरबाउन इज़ा कुन्ना फीका फला अलैका मा फातका मिनद दुनिया, चार बातें तुम्हारे अंदर होंगी तो फिर दुनिया की कोई चीज़ छूट जाए, जितनी दुनिया तुमसे फौत हो जाए कोई हर्ज नहीं है, बस चार सिफात पैदा कर लो अपने अंदर। उसमें है हिफ्ज़ो अमानती, अमानतदारी का पासो लिहाज, व सिद्क़ व हदीसी, बात में सच्चाई, व हुस्न खलीकती, और अख्लाक में बुलंदी, अपने कैरेक्टर में, अपने मोरल में बुलंदी, लोगों के साथ बर्ताव करने में अच्छा मामला करना, लोगों को अजियत न पहुँचाना, सबको फ़ायदा पहुँचाना। और चौथी सिफत है अइफ़तुन फ़ी तौमती, खाने पीने में हलाल और पाकीज़ा खाने का वस इख्तियार करना, होशियार बनाना कि हराम के करीब हो। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सच्चाई की सिफत को इतना आला करार दिया है कि
वो ईमान की जगह पर अल्लाह की सच्चाई को जिक्र किया है। कई जगह इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह ने अपने औलिया के साथ रहने की बात फरमाई है, मोमिनीन औलिया और बुजुर्गान दीन सलफ सालिहीन के साथ हो जाओ जो परहेजगार है, तो उसकी जगह पर सच्चों का जिक्र किया, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चाई वो इंसान को कड़वी तो लगती है और कभी कभी शाप भी गुजरता है इंसान पर, लेकिन उसी में नजात अल्लाह ताला ने बनाई। और जो ये हदीस है इसमें ये बात फरमाई गई है कि आदमी सच बोलता है और सच्चाई को तलाश करता है, यहाँ तक कि वो सच्चा लिख दिया जाता है सिद्दीक। ये सोचने की बात है सच्चाई को तलाश करने का मतलब क्या है, सच सच बोलता है सच्चाई को तलाश करता है। कभी कभी क्या आदमी की आदत होती है मुबालगा आराई कर देते हैं, जैसे दावत की उसने दावत की तो अब लोग आए पब्लिक आए तो बात करने लगा, कहने लगा यार कम से कम 5,000 पब्लिक आई होगी, 5,000। तो थोड़ा आदमी को आदत होती है कि ज़्यादा बना करके पेश करे, तो अब सच्चाई को तलाश करता है, मतलब कम हो जाए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर आदमी मुबालगा नहीं करे, उसमें कहते मेरे ख्याल में 2,000 तो होंगे, क्योंकि अगर 3,000 है तो 2,000 झूठ नहीं हुआ, कम तो है ही सही, 2,000 लोग होंगे, अगर 2,000 उसने कहा तो गलत नहीं होगा, 3,000 होंगे तब भी 2,000 तो है ही सही, लेकिन 4,000 कह दिया 5,000 कह दिया उसने तो गलत हो जाएगा। जैसे कहीं इज्तिमा होता है, हर जमात के होते हैं और कोई गलत नहीं है इज्तिमा, तो आदमी अपने बताने के लिए दूसरे हल्के वालों के सामने पेश करता है, अरे यार क्या पब्लिक थी, लाख लोग थे, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर ठीक है जितने थे कम ही बता दो, थोड़े से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो शायद ये मतलब हो कि सच्चाई को भी तलाश करना पड़ता है आदमी, कभी कभी होता है आदमी ने गलत कह दिया, कोई बात नहीं आप गए थे वहाँ, एकदम ख्याल नहीं रहा गया था मैं, 2-3 साल पहले की बात है मैं गया था, फिर उसको ख्याल आया अरे यार मैं गया नहीं था, तो फिर उसको कहे अरे वो झूठ थोड़ा गलत हो गया था, मेरे दिमाग से निकल गई थी बात, मुझे शरीक नहीं हो पाया था उस प्रोग्राम में, मुझे किसी ने बताया। तो ये सच्चाई को तलाश करने का मतलब, और इसी के मुकाबले में ये जो बात बताई कि आदमी झूठ बोलता है और झूठ को तलाश करता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब भी दे देता है, झूठ को तलाश करने का मतलब क्या है, जिस आदमी की झूठ बोलने की आदत होती है उसको प्लान बनाना पड़ता है कैसा झूठ बोलूँगा मैं कि चल जाएगा, क्योंकि फिर भी चलता नहीं है वो पकड़ में आ जाता है, लेकिन वो तलाश करता है मैं क्या झूठ बोलूँगा, क्या बहाना बनाऊँगा मैं इस मौके पर। तो आदमी बहुत सारी कमियों में मुब्तला हो जाएगा, झूठ बोलेगा तो फिर ठीक है उसने कुछ भी कह दिया, लेकिन सच्चाई की आदत होगी तो फिर गलत काम से रुकेगा, क्योंकि हम झूठ बोल नहीं सकेंगे, अब्बा पूछेंगे, भाई पूछेंगे, या उस्ताद पूछेंगे, या माँ पूछेगी, या बीवी पूछेगी कि तुमने ऐसा किया था, तो झूठ तो हम बोल नहीं सकेंगे उनसे, तो फिर वो आदमी मजबूर होगा कि वो जो सही बात है उसको करे अंजाम में, झूठ बोलेंगे, और जो झूठा आदमी है तो करेगा नहीं, कहेगा कह दूँगा बीवी से कह दूँगा, अम्मा से कह दूँगा, अब्बा से कह दूँगा, हाँ हम किया कौन पकड़ जाए। तो इसलिए सच्चाई को आला दर्जा हासिल है, और वाकयात हैं बड़े बड़े सच्चाई के, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया, 3 सहाबा थे वो शरीक नहीं हो सके गज़वाए तबूक में, गज़वाए तबूक में गए नहीं और कोई उनके पास माकूल उज़्र भी नहीं था,
बस ले तो लाल में रह गए, आज चला जाऊंगा कल चला जाऊंगा, ऐसे छूट गया वो गजबा छूट गया, वो सफर नहीं कर सके। तो जब आप वापस आए तो उस वक्त सबका जाना ज़रूरी था, तो पूछा तो मुनाफिक झूठ बोलने लगे, झूठ बोलने लगे, मेरा ये था मेरी बीवी बीमार थी, मेरा बच्चा बीमार था, ऐसा हो गया था। आपने सब के लिए ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, जब उधर था तो हजरत काब बिन मालिक से पूछा तुम क्यों नहीं गए, तो फिर उन्होंने कहा, मैं कहने लगे मैं झूठ बोलता तो ऐसा बोलता कि कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे चर्म जबानी दी थी, जबान बोली, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं सच बोलूँगा। तो कहा हजरत कोई उज्र नहीं था, बस अपने ख्वाहिश नफ्स सामने आ गया, यही एक कमी थी। तो फिर उनका बायकॉट किया गया, 40 दिन तक 50 दिन तक कहा कोई इनसे बोलेगा नहीं। सच्चाई की वजह से उनको ये झेलना पड़ा, क्योंकि गुनाह हो गया है जब आपने कहा था सबको जाना है और सच बोला उन्होंने, लेकिन ठीक है एक गलती हो गई तो आदमी गलती का एतराफ कर लिया उसको कि मैं ये नहीं कर सका था, क्योंकि मैंने हाथ कर लिया। तो फिर बायकॉट हुआ, मुआशरे में सबसे करीबी लोग नहीं बोलते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, दुनिया बदल गई उनकी, कि मुझे दुनिया वो मालूम ही नहीं होती थी जो पहले थी, कोई मुझे जानता ही नहीं है, हुजूर भी नहीं बोलते थे उनसे, अल्लाह की तरफ से बायकॉट था। फिर लेकिन उन्होंने कहा, जो लोगों ने कहा भी सीहर है चले जाओ, कह दो कि था हुजूर हजरत, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। तीन लोग और थे, दो लोग और थे उनके साथ, हजरत काब बिन मालिक, मुरारत बिन रबी और हिलाल ने मैयाल वाकई की। तो फिर 50 दिनों के बाद अल्लाह ताला की तौबा कबूल हुई अल्लाह की तरफ से, और यह आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। और उन तीन लोगों का अलग जिक्र किया कि अल्लाह ने उन तीन लोगों पर मेहरबानी कर दी, वाला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिक़ू, जिनके मामले को पेंडिंग में रखा गया था, अभी मुअल्लक़ रखा गया था, अल्लाह का फैसला नहीं आया था, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया उनको। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारत दे दी, सहाबा किराम ने मुबारकबाद दी, हज़रत काब बिन मालिक आए तो मुस्कराए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि मुबारक हो अल्लाह ताला की तरफ से तौबा। तो उन्होंने इतनी खुशी हुई कहने लगे हुज़ूर मेरी जितनी प्रॉपर्टी है सब मैं दे देता हूँ अल्लाह के नाम पर, इतनी अल्लाह ने इतना इनाम बख्शा। तीन लोगों का अलग जिक्र है, वो अलग सर नाम तो नहीं लिया, जिक्र किया वो तीन लोग। तो हुजूर ने फरमाया थोड़ा सा रखो अपने पास, बाकी सबका कर दो, कुछ हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का रख लो। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने सच्चाई से ये इनाम दिया है, मैं आगे तय करता हूँ कि इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि किसी को सच्चाई की अल्लाह ने इतनी अच्छी सिफत दी हो जितनी मैंने याद की थी उसके नतीजे में। तो अल्लाह के अंबिया सिद्दीक होते थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कभी कोई झूठ नहीं। तीन बातें आती हैं कि अगर उनको आप झूठ कहो तो कह सकते हो, कि उन्होंने एक बार अपनी बीवी से कह दिया था कि तुम ये ज़ालिम बादशाह पकड़ ले रहा है, तो तुम कह देना मेरी बहन हो, क्योंकि शोहर कहोगी तो वो मुझे कत्ल करेगा, फिर तुमसे शादी करेगा, बहन कह देना। फिर कहा कि तुम मेरी दीनी बहन हो। इस तरह की पूरी ज़िंदगी में दो तीन बातें, लेकिन वो कोई गुनाह की नहीं थी, वरना तो कोई बात उनके खिलाफ वाक़ नहीं थी। सच्चाई किसको कहते हैं, जो बात पेश आई है बिल्कुल वैसी की वैसी बयान करो, उसको कहते हैं सच्चाई। और झूठ किसको कहते हैं, जो बात पेश आई है वैसी बयान ना करना, पेश ही नहीं आई कर दिया, या जैसी पेश आई है वैसे नहीं तोड़ मरोड़ करके पेश किया, उसको झूठा कहते हैं। और हमारी औलाद भी झूठ सीखती है, वो क्यों सीखती है, क्योंकि हम लोग झूठ बोलते हैं। बट यानी बहुत ही अफसोस की बात है, बिल्कुल यानी आदमी के अंदर अगर थोड़ा सा भी शऊर हो तो वो नहीं करेगा। वो कहते हैं कोई सहाबा है बुलाने के लिए, छुप गए अंदर वाले कमरे, बच्चे से कह दिया कि कहो के नहीं है अंदर, घर में नहीं है, तो उससे तो क्या सीखेगा वो झूठ बोलने का। और बहुत छोटा बच्चा होता है, तो एक बार का वाक्य लतीफ़ा सुनाते हैं कि पूछा कहाँ है अब्बा,
तो कहने लगे अब्बा कह रहे हैं कि कह दो के नहीं है। उनका झूठ भी चल गया, झूठ भी फाश हो गया। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को सच्चाई की सिफत पर अपने आप को ढालना चाहिए, ढालना पड़ेगा, मामूली बात नहीं है। वरना तो हम लोगों के यहाँ झूठ इतना आसान हो गया है कि वो पहले में गलती झूठ ही बोलते हैं। सच्चाई तो अनका हो गई है, अनका मतलब खाल खाल ढूंढने से मिलेगी, ऐसी हो गई। लोग क्या कहते हैं, अरे सच्चाई का ज़माना नहीं है, अमानतदारी का ज़माना नहीं है, ये जो है ना गलत बात है। जब नई चीज़ मिल रही हो वही तो ज़माना है उसको जाहिर करने का। दुनिया के अंदर मार्केट में जब कमी हो तभी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि किसी के पास वो माल नहीं है जो क्वालिटी आप पेश कर रहे हैं। एक नज़्म है, हम आपको सुनाते हैं, याद आ गई इसी बात पर, एक नज़्म है तो वो आपको सुनाते हैं, बहुत अच्छी है। निकल गई, बस एक मिनट लग रहा है। जी ये कतील शिफाई एक शायर उनकी ये नज़्म है, फरमाते हैं, खुला है झूठ का बाजार आओ सच बोलें, खुला है झूठ का बाजार आओ सच बोलें। मार्केट झूठ का है, अब उसमें अपना सामान बेचो, जब कहीं नहीं मिलेगा तुम्हारे पास मिलेगा तभी तो लोग आएंगे, तुम्हारी क्वालिटी तो बढ़ जाएगी। ये नहीं कि झूठ का ज़माना चल रहा है तो तुम भी झूठ बोलो, तुम सच मत बोलो कम से कम। खुला है झूठ का बाजार आओ सच बोलें, न हो बला से खरीदार आओ सच बोलें। कोई उसका कदरदान ना हो तो ना हो, अपन को तो पेश वही करना है। अगर सारे लोग झूठे बन जाएंगे, झूठी को पसंद किया जाने लगेगा तब भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, आप कहिए ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलव अअजबका कसरतुल खबीस, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, चाहे तुम्हें बुराई में बहुत मज़ा आए वो अच्छी मालूम हो लेकिन बुराई बुराई है। कोई ना भी खरीदार हो ना भी कदरदार हो तब भी कोई बात नहीं, ना हो बला से खरीदार आओ सच बोलें। सुकूत छाया है इंसानियत की कदरों पर, यही है मौका इजहार आओ सच बोलें। यानी सारी कदरें मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, अभी तो हमारा मौका है कि सच बोलें, सच्चाई को इख्तियार करें। यही है मौका इजहार, यानी सही बात जाहिर करने का मौका इसी में तो है, आओ सच बोलें। हमें गवाह बनाया है वक्त ने अपना, बना में अजमत किरदार आओ सच बोलें। सुना है वक्त का हाकिम बड़ा ही मुनसिफ है, पुकार कर सरे दरबार आओ सच बोलें। तमाम शहर में क्या एक भी नहीं मंसूर, कहेंगे क्या रसन ओ दार आओ सच बोलें। यानी सच्चाई की खातिर गर्दन कटा दी लोगों ने, क्या इस ज़माने में सच्चाई रुसवा हो जाएगी, एक भी नहीं मिलेगा जो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाए, एक भी मंसूर नहीं है। मंसूर ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दे दी थी, तो उसी की तरफ इशारा किया है। वो शायरों का ख़ास वो रम्ज है हज़रत मंसूर, तमाम शहर में क्या एक भी नहीं मंसूर, कहेंगे क्या रसन उदार। ये जो तख्त फांसी का तख्ता कहेंगे, कोई चढ़ने वाला नहीं है सच्चाई के खातिर, तरस गए हम तो सच्चाई के खातिर, कोई फांसी पर चढ़ने वाला हो कहेंगे क्या रसन उदार आओ सच बोलें। बजा के खोए वफा एक भी हंसी में नहीं, कहाँ के हम भी वफादार आओ सच बोलें। जो वस्फ हम में नहीं क्यों करें किसी में तलाश, अगर ज़मीर है बेदार आओ सच बोलें। खुद तो झूठे लोगों से कहते हैं सब लोग झूठे हैं, तो तुम ही बन जाओ कम से कम। छुपाए से कहीं छुपते हैं दाग चेहरे के,
छुपाए से कहीं छुपते हैं दाग चेहरे के, नज़र है आईना बरदार आओ सच बोले। लोगों की निगाह आईने की तरीके से है, सब देख सब दिख जाएंगे तुम्हारे खत तो खाल। कतील जिन पे सदा पत्थरों को प्यार आया, किधर गए वो गुनाहगार आओ सच बोले। गुनाहगार से मुराद नेक लोग, सच्चाई के गुनाहगार। पत्थर बरसेंगे उन पर लेकिन वो सच्चाई वाले लोग आए। किधर गए वो गुनाहगार के पत्थर भी प्यार करें उनसे। अच्छी लगी हमें इसलिए आपको सुना दिया। कभी पढ़ी آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين